वेलकम बैक दोस्तों, मेरे चैनल घरेलू इलाज घरेलू उपाय। मैं जावेद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको आज फेफड़ों को कैसे घरेलू उपाय से ठीक कर सकते हैं और फेफड़े को सेहतमंद कैसे कर सकते हैं, ये मैं अपने आपको बिल्कुल आसान तरीके बताऊंगा जो आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं। दोस्तों, धूम्रपान जो है, स्मोकिंग करना, वो हेल्थ के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, बिल्कुल ना करें। अगर जो मेरी माने तो आप सिगरेट, बीड़ी और तंबाकू का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, इससे फेफड़ों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और फेफड़े बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, जिससे जो है कैंसर भी हो सकता है। अक्सर सिगरेट की डिब्बी पर ज़रूर देखा होगा कि धूम्रपान स्मोकिंग करने वाला ना करें। आप सब पर लिखा होता है, जो भी धूम्रपान की या तंबाकू की कोई भी चीज़ें हैं उन पर सब पर लिखा होता है कि ये तंबाकू जो है या सिगरेट पीना या बीड़ी पीना ये सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसे मेरी राय तो यह है कि बिल्कुल आप ना करें इन चीज़ों को, तो बेहतर रहेगा। आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे। दोस्तों, निकोटिन का ज़्यादा सेवन करने से हमारे फेफड़े में धीरे धीरे जमा होने लगता है, जिसके बाद निकोटिन शरीर में एक धीमे जहर की तरह काम करता है और फेफड़ों को ख़राब करने के अलावा सांस संबंधी, गले संबंधी जैसी अन्य बीमारियां की वजह बनने लगता है। वैसे तो धूम्रपान स्मोकिंग की आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अगर आप वास्तव में धूम्रपान और स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप मजबूत इच्छा शक्ति होनी चाहिए आपके अंदर, और दूसरा सही दिशा निर्देश का पालन करें। दोस्तों, धूम्रपान स्मोकिंग करना सेहत के लिए ख़तरनाक, बेहद ख़तरनाक है, जिससे कैंसर हो सकता है। ये टैग लाइन आपको अक्सर सिगरेट की डिब्बी पर ज़रूर देखने को मिली होंगी कि इनसे जो है बहुत नुकसान है, इसे आप बिल्कुल ना करें। खैर, ये सब जानते हैं लोग, फिर भी मतलब नहीं मानते लोग, फिर भी करते हैं इस काम को, और ये मुश्किल भी काम है। तो मैं इसके लिए बताऊँगा कि आप जो हैं फिर धीरे धीरे इसे छोड़िए, फिर सांस लीजिए, फिर धीरे धीरे छोड़िए इसे। तो इस तरह से आप जो है अपने फेफड़ों को अच्छे स्वस्थ रख सकते हैं, और इसके लिए आप घर पर भी एक काढ़ा बना लीजिए या एक मतलब इसकी दवाई बना लीजिए। आप उस जो दवाई आपकी चल रही है डॉक्टर के हैं वो तो चलने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, और इस ये जो मैं आपको घरेलू उपाय बता रहा हूँ ये घरेलू हैं, इससे धीरे धीरे आप ठीक हो जाएंगे, आपके फेफड़े बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और आपके फेफड़े बिल्कुल सेहतमंद हो जाएंगे और साफ़ हो जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें मुलहटी आती है, मुलहटी का 50 ग्राम पाउडर ले लें, और इसमें सौंठ का पाउडर ले लें और हल्दी का पाउडर ले लें। 50 ग्राम सौंठ पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 50 ग्राम मुलहटी पाउडर, इन तीनों को एक लीटर दूध पानी में पका लें। ठीक, जब एक लीटर पानी में ये 250 ग्राम पानी रह जाए तो उसे जो है आप छान करके उसमें जो है 2 चम्मच शहद मिला लें, शहद मिला के उसे पी लें। थोड़ा गुनगुना रहना चाहिए, थोड़ा गर्म मतलब ठंडा ना रहे, बिल्कुल ठंडा करके ना पिए। तो एक नुस्खा तो ये हो गया, अगर जो इसे करना चाहें तो दूसरा नुस्खा ये है। आप एक लीटर पानी लें और थोड़ी सी इतनी बड़ी अदरक ले लें और हल्दी पाउडर ले लें, और उसमें आधी आधी प्याज मिला लें काट करके, जैसे हम सलाद में खाते हैं प्याज, वैसे काट करके उसमें मिला लें और उसे उबाल लें। जब वो एक लीटर पानी 250 ग्राम रह जाए तो उसे गुनगुना रह जब वो मतलब थोड़ा पानी रह जाए तो उसमें थोड़ा शहद मिला लें, और शहद ना हो तो चीनी मिला सकते हैं हल्की, जिससे वो कड़वा ना लगे या ख़राब ना लगे। उसे जो है आप पी लें सुबह के टाइम, एक बार सुबह के पी लो, एक बार शाम को पी लो, ये कोई नुकसान नहीं देता और ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं। और जो है अगर जो आपकी कोई दवाई चल रही है डॉक्टर के यहाँ तो वो चलने दीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर जो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। मेरा
चैनल का नाम घरेलू इलाज जावेद के नाम से है, आप जो हैं इसे देख सकते हैं। और कोई अगर जो आपको कोई और बीमारी हो तो उसके बारे में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे सलाह ले सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा भी है। और ये जो बीमारी मैं फेफड़ों की बीमारी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी मेरे शुभचिंतक ने मुझे कमेंट करके बताया है कि आप जो हैं फेफड़ों के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं जिससे हम उससे फ़ायदा और लाभ उठा सकें। तो दोस्तों ये मेरी बिल्कुल ये जो सिगरेट है, पान, तंबाकू, ये मेरे कहने से आप बिल्कुल छोड़ दें। ये बिल्कुल सेहत के लिए हानिकारक है और फेफड़ों के लिए तो ये बिल्कुल, ये समझिए कि ये जहर है। हाँ तो दोस्तों आप जो हैं इस चीज़ को करिए। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।